अंधेरी में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की धर्मसभा का आयोजन किया गया, जिसको सरकार को अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए अध्यादेश लाने की बात कही गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के नितिन सक्सेना, अभिषेक शर्मा, विष्णु गुरु, विष्णुकांत चौकसे, ब्रजेश बघेल एवं समस्त विश्व हिंदू परिषद के लोग शामिल हुए। मेरे भाइयों, वे राम की भूमि है, हमें उसे प्राप्त करना है। और उसी के आधार पर सन 2010 में कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट ने उस भूमि को तीन भागों में बांट दिया। एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया, एक निर्मोही अखाड़ा को दे दिया और एक स्वयं रामलला को भेज दे दिया, क्योंकि एक पक्षकार स्वयं रामलला है। आप तो कहते हो हमें घंटे घड़ियालों की ध्वनि से भी तकलीफ होती है, हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा, हमने तो कभी कोई मस्जिद नहीं तोड़ी। लोग कहते हैं हमने बाबरी मस्जिद गिराई। ग्राउंड रिपोर्टर जितेंद्र जोशी की रिपोर्ट। मकसूदनगढ़ चांचड़ा विधानसभा में हुई ठंड के कारण फसलें बर्बाद। दरअसल इन दिनों कड़ाके की ठंड चांचड़ा विधानसभा में पड़ रही है, जिसके चलते फसलों पर भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। चांचड़ा विधानसभा में हुए नुकसान को देखते हुए कांग्रेस से चांचड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने दिल्ली से एक वीडियो जारी कर किसानों से अपील की है कि मुझे ज्ञात हुआ है कि चांचड़ा विधानसभा में ठंड के कारण धनिया की फसल खराब हो गई है। मैं दिल्ली में हूँ और 3 तारीख को वापस आऊंगा और मैं किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलाने का भी प्रयास करूंगा। साथ ही चांचड़ा विधानसभा में फसलें खराब हुई उसको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए, यह सवाल भी विधानसभा में उठाऊंगा। प्रिय किसान भाइयों, मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में बीनागंज, कुमराज, चांचौड़ा, मधुसूदनगढ़ क्षेत्र में बहुत जोर की ठंड पड़ी और धनिये की फसल काफ़ी ख़राब हो गई है। मैं वर्तमान में दिल्ली में हूँ, 3 तारीख को लौट रहा हूँ और आपके बीच आऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिलाने का प्रयास करूंगा, विधानसभा में भी उठाऊंगा। मकसूदनगढ़ से ग्राउंड रिपोर्टर टोनी शाह की रिपोर्ट। नववर्ष की पूर्व संध्या की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद, साथ ही पुलिस प्रशासन कड़ी निगरानी भी रखेगा ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके। इसी बाबत हमने सिटी कोतवाली टीआई अवनीश शर्मा से बात की। उन्होंने बताया कि उन्होंने 31 दिसंबर की तैयारियों को लेकर शहर में किस प्रकार से कानून व्यवस्था लागू कर रखी है। नववर्ष को देखते हुए हमने सभी जगह जो है जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पर पुलिस मौजूद रहेगी और जो भी व्यक्ति उद्दंडता पूर्वक व्यवहार करता है तो उसको तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। और सभी से ये नम्र निवेदन है कि नववर्ष को शांति प्रिय रूप से मनाएं और उसका आनंद लें। सर, हर चौराहे पे पुलिस तैनात रहेगी, चेकिंग भी की जाएगी जैसे शराब वराब पी के कोई निकलता है सर? हाँ, अगर कोई शराब पी कर निकलता है मोटरसाइकिल से तो उसको रोककर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको सर होटल और ढाबों पर भी चेकिंग करेगी। होटल ढाबे सभी शाम को ही चेक किए जाएंगे और उसमें अगर कोई असामाजिक तत्व रुका हुआ है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।